हरियाणा में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर जजपा ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से अपने पहले उम्मीदवार का ऐलान करने के बाद आज दुष्यंत चौटाला ने हिसार सीट से नैना चौटाला के उपचुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। नारनौद के कई गांव का दौरा करने पहुंचे पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी 10 सीटों पर जजपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए प्रत्याशियों का जल्द ऐलान भी कर दिया जाएगा। दुष्यंत ने इस मौके पर हिसार लोकसभा सीट से अपनी मां नैना चौटाला के चुनाव लड़ने का संकेत दिया और बताया कि कार्यकर्ताओं की मांग उठ रही है, जिसको लेकर पार्टी फैसला करेगी। प्रत्येक लोकसभा में पार्टी का जनसंपर्क अभियान गति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने भिवानी लोकसभा, आज मेरी जिम्मेवारी हिसार लोकसभा है, श्रीमती नैना चौटाला जी, निशांत सिंह जी सिरसा लोकसभा में, इस प्रकार से प्रत्येक लोकसभा पार्टी का जनसंपर्क अभियान आज बढ़ाया जा रहा है और मैं मानता हूँ कि 10 की 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आगे जीतने का भी काम जल्द 10 के 10 उम्मीदवारों की घोषणा होगी। यदि पार्टी निर्णय करे, कार्यकर्ताओं के जो विचार थे वो आपने भी सुने और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं के विचारों के ऊपर पार्टी का। वहीं इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन टूटने के बाद पहली बार भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज की भाजपा अब नई कांग्रेस बन चुकी है, क्योंकि भाजपा के 10 उम्मीदवारों में से 6 चेहरे पुराने कांग्रेसी हैं। जो कैप्टन में लोग टिकट काटी गए, बीजेपी का अपना इंटरनल ये मुद्दा है, मगर एक चीज साबित होगी कि भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बन गई। आज 6 उम्मीदवार 10 में से ऐसे हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं और 3 तो उनमें ऐसे हैं जो लोकदल से आए। उधर लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा से भविष्य में गठबंधन की संभावनाओं पर सीधा जवाब देने से दुष्यंत बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी के साथ गठबंधन होगा या नहीं, इसका फैसला भी भविष्य पर ही छोड़ देना चाहिए। देखो आगे किसके साथ होगा, कैसे होगा, ये आज कहना बहुत जल्दबाजी, और मैं मानता हूँ कि राजनीतिक परिस्थितियों में भविष्य में जो निर्णय लिया जाएगा वो भविष्य पे छोड़ा जाए। आज तो हमारा टारगेट भी ये है कि हम 46 विधायक जीते अपने सांसद चुनाकर, हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह। अगर दुष्यंत को उतारेंगे तो 4 हो जाएंगे, दुष्यंत भी फिर उसी परिवार में, तो जो चुनाव जनता जिताएगी सांसद तो वो बनेगा। आज के दिन तो ये जनमत का फैसला होगा और जनता जिसको चुनेगी वो आगे पार्लियामेंट में नेतृत्व करने जाए। मैं तो यही बोला है कि आज 57 दिन है, 57 दिन मेहनत कर पार्टी संगठन को मजबूत करो, पार्टी का विस्तार। बता दें कि हिसार लोकसभा सीट से अगर जजपा की ओर से नैना चौटाला उम्मीदवार बनाई जाती हैं, तो हिसार की चुनावी लड़ाई में चौटाला परिवार के 3 सदस्य रणजीत सिंह भाजपा से, सुनैना इनेलो से और नैना जजपा से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बहरहाल हिसार सीट पर अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में जजपा के साथ साथ कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर भी जनता टकटकी लगाए बैठी है। नारनौंद से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।